फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मिसिस कोहली की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बना रहे हैं चने की नमकीन दाल, जो फ्राई करके बनाई जाती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। इसे घर में बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बाज़ार से भी ज़्यादा बढ़िया घर पर इसे हम बना सकते हैं। आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये मैंने 150 ग्राम के करीब दाल ली थी, इसे मैंने रात भर भिगो कर रखा है। अब मैं इसे 2-3 बार अच्छी तरह साफ पानी में धो लूँगी और इसको कॉटन के कपड़े के ऊपर अच्छी तरह से फैला कर सुखा लूँगी। अब इसका हम पानी निकाल देंगे और एक कॉटन के कपड़े के ऊपर इस तरह से फैला देंगे और ऊपर से फ़ैन चला देंगे। फ़ैन के नीचे ये अच्छी तरह से सूख जाएगी, बिल्कुल सूख जाएगी। कम से कम 20 से 25 मिनट में ये एकदम सूख कर तैयार हो जाएगी और उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर सकते हैं। इसे 2-3 बार अच्छी तरह से हिला लेंगे ताकि सब तरफ से ये सूख जाए। ये देखिए, सूख कर अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। और देखिए, अगर हम हाथ पर इस तरह से लेते हैं तो हमारे हाथों पे पानी बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो हमें बिल्कुल सूखी हुई दाल चाहिए। इसे अब हम फ्राई करते हैं। तो ये मैंने एक कढ़ाई में ऑयल अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और काफ़ी हीट आ रही है इसकी। तो अब मैं थोड़ी थोड़ी दाल इसमें डालती जाऊंगी और इसे अच्छी तरह से हम फ्राई करते जाएंगे। फ्रेंड्स, इसे हम घर पर बहुत ही ज़्यादा आसानी से बना सकते हैं। चने की दाल ही नहीं, हम कई दालें इसी तरह से फ्राई करके नमकीन तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, एक बार मैंने इसे चला दिया है। अब इसके ऊपर जब दाल फ्राई हो जाएगी तो अपने आप ऊपर ऑयल के ऊपर तैरने लग जाएगी। तो जैसे ही वो तैरने लग जाएगी हम उसे निकालते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से ऑयल के ऊपर देखिए दाल आनी शुरू हो गई है। इसका मतलब है हमारी दाल अच्छी तरह से फ्राई होनी शुरू हो चुकी है। तो एक बार मैंने फिर इसको चला दिया है तो बाकी दाल भी इसी तरह से सारी ऊपर आ जाएगी। ये देखिए, इस तरह से दाल ऊपर आनी शुरू हो गई है। अभी थोड़ी सी और इसमें कसर है, अब मैं इसमें फिर दोबारा डाल दूंगी। 5 से 6 मिनट लगते हैं एक बार दाल को फ्राई होने के लिए। तो ये देखिए, सारी दाल हमारी इस तरह से ऊपर आ गई है। अब हम इसे निकाल कर एक टिश्यू पेपर के ऊपर रखते जाएंगे। ये देखिए, हमें ओवर कुक नहीं करना, ओवर फ्राई नहीं करनी, नहीं तो वो दाल काफ़ी हार्ड हो जाएगी। इस तरह से हम निकालते जाएंगे। ये देखिए, अब हम दूसरी बार फिर दाल इसमें और डाल देते हैं और इसी तरह से हम सारी दाल को फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। ऑयल हमने कढ़ाई में कम ही लेना है क्योंकि ये उछल कर बाहर आता है तो वो हमारे ऊपर भी आकर गिर सकता है, तो इसलिए ऑयल हमें इसमें कम ही लेना है। बस इतना ही लेना है कि इसमें अच्छी तरह से दाल फ्राई हो जाए। ये देखिए, ये भी दाल अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब इसे भी हम निकाल लेंगे। और ये नमकीन बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। जब भी आपका नमकीन खाने का दिल करे तो कम से कम 6 से 7 घंटे इस दाल को भिगो कर रख दीजिए और उसके बाद 15-20 मिनट में इसे सुखा लीजिए और उसे फिर डीप फ्राई कर लीजिए। इसी तरह से हम दाल फ्राई करते जाएंगे। ये देखिए, ये भी ऊपर आनी शुरू हो गई है। इसे भी हम निकाल लेते हैं और ये झटपट से तैयार हो जाती है नमकीन।
जब भी आपके गेस्ट आने वाले हों उससे पहले आप ये दाल अच्छी तरह से फ्राई करके एयर टाइट जार में बंद करके रख सकते हैं और ये काफ़ी टाइम तक ख़राब नहीं होती है। ये देखिए बाकी लास्ट भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखिए इसे भी हम साथ के साथ निकालते जाएंगे और ये बहुत क्रंची क्रिस्पी दाल हमारी बनकर तैयार हो जाती है। ये कोई भी नहीं, जो भी इसे खाएगा वो कोई भी नहीं कह सकता कि ये बाजार की है या घर पर तैयार की हुई दाल है। ये बाजार से भी ज़्यादा टेस्टी दाल घर पर हम बना सकते हैं। ये देखिए सारी दाल हमने तैयार कर ली है फ्राई करके। अब मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी ताकि उसमें हम अच्छी तरह से मसाले मिक्स कर सकें। ये मैंने कुछ मसाले लिए हैं जो इसमें हम डालेंगे। ये लाल मिर्च का पाउडर मैंने लिया है, ये 1/4 टीस्पून हम इसमें मिक्स कर देंगे और 1/4 टीस्पून ही हम इसमें भुना हुआ जीरा ले रहे हैं। वन फोर्थ टी स्पून ही मैं इसमें काला नमक डाल रही हूँ और आमचूर का पाउडर भी हम 1/4 टी स्पून ही लेंगे और 1/4 टी स्पून ही हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं और वाइट नमक भी हमने इसमें सफ़ेद नमक भी 1/4 टी स्पून ही लेना है। अगर आप ये सब कुछ नहीं डालना चाहते तो आप सिंपल चाट मसाला भी इसमें डाल सकते हैं, उससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। आप फ्रेंड्स इस तरह से भी इसको खा सकते हैं, नहीं तो आप इसमें प्याज टमाटर हरी मिर्च और नींबू को निचोड़ कर भी इसका एक चाट की तरह भी आप इसे खा सकते हैं। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स तैयार है आपके लिए घर पर ही बनाई हुई चने की नमकीन दाल जो बहुत ही चटपटी सी बनकर तैयार हो जाती है। आप इसे दोनों रूप में खा सकते हैं, आप प्लेन भी खा सकते हैं और इसे प्याज टमाटर हरी मिर्च नींबू वगैरह निचोड़कर भी आप खा सकते हो। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। दोस्तों फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।